हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास फर्स्ट का हिंदी दर्पण में से हम कुछ शब्द लिखने जाएंगे। हमने इसके पहले क्या पढ़े थे, स्वर मात्रा ध्वनि, उसके बाद में स्वर मात्रा के बाद में व्यंजन, व्यंजन के बाद में हमने पढ़े थे दस खड़ी। दस खड़ी में आपको बताई थी कि क्या आएगा, क का किक्की कुक्कू के क कोकम कहा, तो ये आएगा, ये बताई थी। और वो दस खड़ी से फिर उसके बाद में आता है आपकी बुक में हिंदी दर्पण में पार्ट दो, शब्द ज्ञान। ओके, अब ये शब्द ज्ञान क्या है, यानी इसमें हमने जो स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े और फिर उसके बाद दस खड़ी पढ़े, ये शब्दों मतलब जैसे स्वर व्यंजन, अब व्यंजन और ये स्वर, इनमें शब्द मिलाकर, जैसे दो शब्द मिलाकर हम एक शब्द बनाएंगे, अब बिना मात्रा वाले जिनमें कोई मात्रा नहीं लगेगी और वो दो वर्णों वाले शब्द रहेंगे। जैसे अब जैसे ले लिए ट, व्यंजन हमने पढ़े थे क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड, तो ट ट टमाटर का ट है ना, तो ट ब, ये दो शब्द मिलके क्या बनता है, एक शब्द टब। तो ये हम आज सीखने जाएंगे, तो ये दो वर्णों वाले शब्द पार्ट दो, शब्द ज्ञान, दो वर्णों वाले शब्द। अब दो वर्णों वाले शब्दों में सबसे पहले आ रहा है कि क्या आ रहा है, टब, तो ट, ये हमने दंड खींचे, ट टमाटर का लिखे, फिर एक डंडा खींचे, ब बदक का लिखे, ट ब, ये क्या लिखे हमने, ट ब, ये टब हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये और भी शब्द लिख के बता देते हैं, तो टब, टब के बाद में एक डंडा खींचे, ब बदक का बनाए, ब बकरी का, ब बदक का, और ये स, ब स, उसके बाद में यहाँ पर एक डंडा खींचे, फिर घ, ये घ र, ओके क्या हो गया, घ र है ना, उसके बाद फिर आता है ह, तो ये एक लकीर खींच के हमने एस बना दिए और हल्की सी डंडी लेके ह ल हल, ओके ये ह, ये ल लड़की का ल, हल है ना ये। उसके बाद हम आते हैं फिर और शब्द पे, फिर न ल, ल लड़की का ल, न ल है ना, फिर घ घ र, ये हो गया घर। अब हमने इसमें आपको टब, बस, घर, हल, नल, घर, ओके, तो हमने इस तरह से इन्हें टब, बस, घर, हल, नल, सॉरी यहां पर आएगा कप, क कमल का क, प पतंग का प, कप, ओके ये कप। उसके बाद आता है यहां पर फिर ये ये टब, बस, घर, हल, नल, कप, ये हो गया। अब इसके बाद में आता है कि ये ज, ग, ग, ग गणेश का ग, ज ग, फिर ह म, ये हो गए आपको दो वर्णों वाले शब्द है ना, दो वर्णों वाले शब्द जो आपके बुक में दिए हुए हैं, इनको पढ़ पढ़ कर आपको कॉपी में लिखना है। मैं यहाँ बोर्ड पे लिखा रही हूँ और अभी इसको पढ़ना भी बताऊंगी, ओके। तो जग, जग, हम, फिर ख, त, खत है ना, फिर उसके बाद में ज ल, जल, फिर उसके बाद में है जग, हम, खत, जल, क ल, क ल, ये हो गया कल। फिर आता है एक और शब्द, स
ब सब ये। अब है ये मैंने लिख दी दो वर्णों वाले शब्द, है ना। ट टमाटर का ट, ब बदक का ब, ट ब तो कैसे जोड़ के पढ़ेंगे, ट ब व्यंजन में पढ़े थे हमने ट ट र ड य ये वाला, तो ये ट ब, ब स घ र ह ल न ल, है ना ऐसे, तो नल न और ल तो नल ऐसे, तो ट और ब यानी टब एक शब्द बना, ब और स बस, घ र घर, ह ल हल, न ल नल, क प कप, ज ग जग, ह म हम, ख त खत, ज ल जल, क ल कल, स ब सब। तो ये क्या है, दो वर्णों वाले शब्द जिनमें कोई मात्रा नहीं लगी है, बिना मात्रा वाले शब्द हैं ये, तो इसको बोलते हैं दो वर्णों वाले शब्द। तब बस घर हल नल कप जग हम खत जल कल सब। तो ये हो गए दो वर्णों वाले शब्द जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए। ओके, तो ये आप दो मिनट देख लीजिए, फिर इसके आगे बताती हूँ। तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने दो वर्णों वाले शब्द लिखे और उसको पढ़े। अब पढ़ने के बाद में यहाँ पर वही दो वर्णों वाले शब्दों से कुछ वाक्य बनाए हैं, जो कि आपकी बुक में एक, ये देखिए एक बस का चित्र दिया हुआ है, उसमें एक बच्चा स्कूल के लिए चढ़ रहा है और दूसरा स्कूल जाने के लिए आ रहा है, जैसे आप लोग आते हैं, है ना। तो ये चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए, इसी पर मैं एक वाक्य आपको बताऊंगी पढ़कर, और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगी कि हमने जब ये दो वर्णों वाले शब्द पढ़े और लिखे कि टब बस घर हल नल कप जग हम खत जल कल सब, ये पढ़े हमने। अब उसके बाद में हम ये हमने ये पिक्चर को देख लिए थे, इस पिक्चर को अपने ध्यान से देखें। अब यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य बनाकर लिखी, जैसे दो वर्णों मतलब दो शब्दों से, तो जैसे ल व लव, ब स बस, प र पर, म त मत, च ड चढ़, उसके बाद में फिर एक पूर्ण विराम मतलब डंडा खींचा हुआ है, अ ब अब, च ल चल, फिर पूर्ण विराम, फिर घ र घर, च ल पूर्ण विराम, च ल चल, घ र घर, च ल चल, क र कर, प ड पढ़। ये क्या हो गए, ये से दो दो शब्दों के जो दो वर्णों वाले शब्द पढ़े हमने, उसी पर हमने एक पूरा वाक्य लिखे। अब इसको हम अभी दो दो जोड़ के पढ़े हमने, अब इसको हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, लव बस पर मत चढ़, अब चल घर चल, यानी लव यानी ये स्कूल जा रहे थे बच्चे, तो को मतलब एक दिन बोल रहा है कि लव अब घर पर, लव बस पर मत चढ़ अब घर चल कर पढ़, यानी क्या बोला जा रहा है कि लव अब बस पर मत चढ़ो, उसके बाद अब घर चल, अब चल घर चल, घर चल कर पढ़। तो ये इस तरह से हमने इसका पूरा वाक्य बनाया, पहले दो वर्णों वाले शब्द लिखे, फिर नीचे कुछ वाक्य लिखा था वो बताई मैंने कि कैसे लिखा जाता है। तो ये हो गए आज हमारे दो वर्णों वाले शब्द। अब ये दो वर्णों वाले शब्दों को आपको, जैसे आपने कुछ ही बच्चों ने वीडियो डाले हैं, हर बच्चा नहीं डाल रहा है, और मैं रोल नंबर वाइज आपको अब देने वाली हूँ, आप मुझे वीडियो सेंड करेंगे, तो आपका
जो स्टार है वो मिलेगा और एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग सब चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप वीडियो नहीं सेंड करते हैं या कॉपी में कंप्लीट नहीं करते हैं, आपकी कॉपी भी चेक होगी स्कूल बुलवाकर, इसलिए आप बकायदा उसको कंप्लीट करेंगे और मैं आपको कॉल करके वो कॉपी चेक करने के लिए बुलाऊंगी, उस पर आपका स्टार है जो वो मैं दूंगी, है ना। तो ये जो दो वर्ण वाले शब्द हैं इनको पहले पढ़ते हुए वीडियो भेजना है और कॉपी में लिखकर इसको होमवर्क कंप्लीट करना है, ओके। तो और उसके बाद ये वाक्य भी आपको हिंदी की कॉपी में लिखकर कंप्लीट करना है। तो ये आपका जो है ये दो वर्णों वाले शब्द हैं ये कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर ये वाक्य लिखा है इसको आप एक दो सेकंड के लिए देखिए और फिर अपनी बुक से इसको पढ़िएगा। तो ये आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी मैं हट चुकी हूँ वहाँ से, आप अच्छे से देख लीजिए कि ये वाक्य लिखा हुआ है, ओके। तो अब ये जो वाक्य है इसको आपने देखे पढ़े, ओके स्टूडेंट। तो मैंने जैसा बताई हूँ कि कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है, आप बुक से देख के शब्दों को कॉपियों में लिखिए, कॉपी में लिख कर फिर मैं उसको चेक करने फिर बुलवाऊँगी, ओके स्टूडेंट। थैंक यू, बाय।